कार्यक्रम में सबसे पहले मैं जो आईजीएमसी की टीम है उसके जो डॉक्टर साहब है उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए मंच पर अपना स्थान ले। हमारी डॉक्टर मैडम आरएमओ ओम प्रकाश शर्मा जी, ओपी शर्मा जी आप भी आए कृपया डायस पे। बाहर कोई खड़ा हो तो यार प्लीज उसको बुला लो अंदर बैठ जाए, बाहर कोई खड़ा है तो नीचे बैठो जाके। यार डॉक्टर साहब प्लीज आइए, है ना, बाहर जो भी खड़ा हो प्लीज आ जाए। बुलाया नहीं, फोन करके बुलाने जो भी आसपास से प्लीज आ जाए। तो आज का इवेंट एक्चुअली अलग तरह का है, ये जो है ब्लड डोनेशन कैंप का है, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं सबसे पहले जो आईजीएमसी के डॉक्टर साहब आए हैं डॉक्टर सिद्धार्थ जी, इनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारे जो डोनर्स हैं उनको कृपया मोटिवेशन के लिए अपनी अपनी बात रखें प्लीज। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑल इंडिया अपने एडवांस स्टडीज के लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा हमें यहाँ बुलाने के लिए एंड एक बहुत ही अच्छा काम करने के लिए। ब्लड डोनेशन इज अ वेरी नोबल एक्ट। आप सभी को मैं चाहूँगा कि आप सभी आएँ आगे आज ब्लड डोनेट करने के लिए। एंड जैसे आप जानते हैं कि ब्लड की हमेशा कमी ही रहती है किसी भी हॉस्पिटल में हो, एंड मतलब कोई भी सर्जरी हो आपकी मेजर या कुछ भी कोई भी ट्रीटमेंट चलना हो ब्लड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आई वुड रियली लाइक यू पीपल टू कम फॉरवर्ड इन ह्यूज नंबर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप्स जगह जगह लगते ही रहते हैं। आईजीएमसी में हमारा ब्लड डोनेशन डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनो हेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वहाँ पे हमेशा ही ब्लड डोनेशन चलती रहती है। उसी हिसाब से आज भी एडवांस स्टडीज वालों ने बहुत अच्छा एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि प्लीज़ अच्छे नंबर्स में आगे आइए एंड इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में हमारी हेल्प करिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड आई रिक्वेस्ट अवर टेगोर फेलो प्रोफेसर गोपी शर्मा जी की वो भी आए और मोटिवेशन के दो शब्द हमारे हमें कहें। नमस्कार। मंच पर हमारे आईजीएमसी के डॉक्टर आज विराजमान है और हमारी बहुत उत्साहवर्धन में निरंतर भूमिका अदा करने वाली हमारी डॉक्टर हमारी जो एडवांस स्टडीज की हमारी प्रिय डॉक्टर है वो भी हमारे मध्य है। हम आपका अभिनंदन वंदन करते हैं, हम अभिनंदन वंदन करते हैं हमारे एडवांस स्टडीज़ के समूचे परिवार का। वास्तव में मैं बहुत उत्साहित था जब पिछले हमारे जब निदेशक महोदय आए थे और हमारी डॉक्टर मीनू अग्रवाल जी ने प्रस्ताव रखा था कि हम डॉक्टर राधा कृष्णन कि जो हमारी 59th जो ये हमारा इवेंट होने वाले हैं राधा कृष्णन की स्मृति में एडवांस स्टडीज़ में, उसमें हमने एक ये आयोजन भी रखा था कि हम जो है ब्लड डोनेशन करेंगे। ये उत्साहवर्धन इसलिए होता है कि हम एक बूंद से बूंद बूंद से किसी की भी का भी जीवन बचा सकते हैं। मेरी एज 62 है और मैं अपनी श्रीमती जी से कह रहा था कि हम सबसे पहले जाएंगे और ब्लड देंगे पर मुझे और हम सुबह ही चले और डॉक्टर साहब ने कहा कि 62 ईयर वाले को तो ब्लड दे नहीं दे पाएंगे आप, परंतु मेरी श्रीमती जी आए हैं तो हम उनका भी अभिनंदन करते स्वागत करते हैं। ये वास्तव में ऐसी परंपराएं अगर आप ध्यान से समझें समूचे विश्व परिवार में आज अगर समस्या है तो ऐसे हेल्थ कॉन्शियसनेस की है जिसके लिए हमारा एडवांस स्टडीज बहुत काम करता है। हमारी मैडम जो है निरंतर हमको प्रोत्साहित करते हैं तो उसमें से ये इवेंट भी आज है। हम सभी आगे आएं और राधा कृष्णन का विज़न सिर्फ हम जैसे मैं टैगोर फेलो हूँ मैं हम लिखने पढ़ने के लिए नहीं होता, उसके लिए स्वस्थ शरीर की भी आवश्यकता होती है। जब तक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा तब रहेगी
जब हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा। स्वस्थ शरीर में ये प्रकृति महत्वपूर्ण है। शरीर रूपी ब्रह्मांड के लिए ये इस तरह का इवेंट बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। हम इसका स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं, और आप सभी का अभिनंदन भी करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, बिल्कुल सही कहा आपने। शरीर रूपी ब्रह्मांड का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, इसी से हमारे जीवन के सभी कार्य साध्य होते हैं। तो कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं हमारी डॉक्टर मैडम आ रहे हूँ, मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और धन्यवाद प्रस्ताव रखें प्लीज। सबसे पहले तो मैं अपनी जो टीम है जिन्होंने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है, अपने हमारे पीआरओ श्री अखिलेश पाठक जी और हमारे केसर जी और उनकी पूरी टीम जिनका कॉन्सेप्ट ही जिनका था और इन्होंने ही स्टार्ट किया कि ये इवेंट होना चाहिए, और उनकी पूरी टीम लगी हुई है इतने दिन से लोगों को मोटिवेट करने और सबको इसके बारे में बताने। और कल शाम तक तो यहाँ प्रोग्राम था, कल्चरल प्रोग्राम, उसके बाद इन लोगों ने सारा अरेंजमेंट किया। तो सबसे पहले तो वो बधाई के पात्र हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हमारे जो आज IVMC से टीम आई है उनके डॉक्टर सिद्धार्थ का सबसे ज़्यादा पहले धन्यवाद करना चाहिए। सबको पता है IGMC में कितना बिजी रहता है, कभी हर डिपार्टमेंट में ब्लड की ज़रूरत रहती है, तो इनका ब्लड बैंक तो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है। तो इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद इन्होंने हमारे लिए, हमारे संस्थान के लिए स्थापना दिवस पे अपनी टीम के साथ टाइम निकाला, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम जिससे इस फाउंडेशन डे पे। और हमारे जो अध्येता हैं, वरिष्ठ अध्येता श्री ओम प्रकाश जी, जिन्होंने सबसे पहले आकर सबका उत्साह वर्धन किया कि इस मुहिम को हमें आगे ले जाना है। तो जब ये लोग हमारे साथ हैं, बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ये प्रयास जरूर सफल होगा। और आप सभी लोगों का धन्यवाद जिन लोगों ने स्वयं आकर वॉलंटियर किया ब्लड डोनेशन के लिए। सब जो आपके अंदर से जो आपकी एक वो है प्रेरणा आपको जो अंदर से मिली है कि आके हमें ये एक सामाजिक कार्य में भागीदार होना है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि ब्लड तो हम दे रहे हैं पर पता नहीं किसको चढ़ाया जाएगा। लेकिन आप लोगों ने भी शायद व्हाट्सएप वीडियो देखा हो कि एक थैलेसेमिया की बच्ची सबको थैंक्स करती हुई जा रही है, तो उसको किसी ने पूछा कि मैं तो आपको जानता नहीं, मुझे क्यों थैंक्स कर रही हैं? तो उसने कहा, अंकल मुझे हर महीने ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, मुझे नहीं पता मुझे कौन ब्लड डोनेट कर रहा है, इसलिए मैं सभी का धन्यवाद कर रही हूँ। तो इसलिए इस सामाजिक कार्य में आप लोग आगे आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। इसी के साथ हम इसको ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। पीछे गोपाल जी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो, और उसके बाद डॉक्टर साहब क्लिनिकली टेस्ट करेंगे। सही बता रहा हूँ सर, प्रोसेस यही है ना? पहले रजिस्ट्रेशन है, फिर यू विल चेक जी, ब्लड डोनेशन। और इसी बीच में खेमराज जी सुंदर राइटिंग में आपका सर्टिफिकेट भी बनाएंगे, तो जो लोग भी आपके संपर्क में हैं प्लीज है ना सभी को कॉल कर करके बुला लीजिए, मतलब है ना टाइम टू टाइम। हमारे पास 4 बेड की व्यवस्था है, इन 4 बेड्स में हम है ना ब्लड डोनेशन करेंगे। तो आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, जो जो भी आए हैं सभी का थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इनको पूछना था कि सारा करना रिकॉर्ड की थोड़ा सारा काम सारा
एक दो ब्लड देखते करते रिकॉर्ड क्यों परे करे हूँ जाके रिकॉर्ड वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन हो रही है नवीन को हटाओ नवीन को नवीन भाई को ये हमरा सर भी होता है तो भी आज मेरे को फोटोज चाहिए आ जाएंगे सर परमानेंट डेफिनेटली कभी नहीं दे पाए थायराइड वालों को आपको कोई दिक्कत नहीं है बट जो रेसिपिएंट है ना उसको बहुत हाँ जी बहन सर बिल्कुल नहीं दे पाए अच्छा अच्छा सर सर वो 500 सेकेंड नंबर पर वो देख जी सर मैंने कहा था उसके अलावा भी सर कोई काम करना क्योंकि आज ठीक फील कर रहे हैं पहले दिया है चार पाँच छः ब्लड में सबको नहीं दिखाई कुछ तो मिल ही जाती है कुछ नहीं होता ठीक जहाँ जहाँ नीड लगा रहा है ऐसे करके लाओगे थोड़ा सा ही बोल रहा है दो चार कर आप
घबरा पूछ लेना, घबरा तो मेरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। इतने इतने चौबीस घंटे मेरी मैंने को 24-25 बार दे दी। थैंक यू सर। इस बात के लिए अगर हम कभी ब्लॉग में आए हैं व्हाट्सएप का नाम और नहीं, इन्होंने भी आप दे रहे किसको पता नहीं। बस अब जा लोगों को भी बात करना मैं बोलूं भैया, पॉल भैया, पॉल भैया, सुनो देश भाई एक चीज के द्वारा था कृतिका आई को नहीं वो परे वाले भैया ने कैप्चर हो रहे ना वो कौन है खून जा कहाँ रहा है कहाँ है बोतले मतलब इसमें डालते हैं कैसे लेते हैं खून मैंने तो देखा ही नहीं आज तक खून लेते हो पॉल भाई फोटो खिंचो हमारा यार नहीं 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 आप ये हट जाते ना कैसे
मैडम कुछ भी ठंडा मतलब जूस ऐसे ऊपर लटकाते हैं थैली होता नहीं थैली क्यों नहीं लटकाते ऊपर वो चढ़ाते हो ऐसे लेते तो नीचे रख के मैंने कभी देखा ही नहीं चल बहुत हुआ थोड़ा।